वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी शैल स्टडी टुडे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन sometimes it is or it is called Cauchy-Euler's equations, Cauchy-Euler equations, differential equation, so a linear differential equation x to the power n d to the power n y upon dx to the power n a1 x to the power n minus 1 d to the power n minus 1 y upon dx to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 d to the power n minus 2y upon dx to the power n minus 2 and so on. Here is a n minus 1 x into dy upon dx plus a n y is equal to q. This is taken as equation number 1 where a1, a2, a3 dashed as a n are constants and q is either constant or a function of x is called homogeneous linear differential equation. Or Cauchy-Euler's equation. Euler's differential equation. तो हमारे इसमें हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का लिया जाए जिसमें x टू द पावर n हो n डेरिवेटिव हो ऑफ y, a टू द a1 हो यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 हो और n माइनस 1 वन डेरिवेटिव ऑफ y, a2 हो x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 हो और n minus 1 is n minus 2 derivative of y and so on, where a1, a2, a3, an are the constants and q is either a constant or a function of x. Such type of differential equation is known as homogeneous differential equations. इसमें खास बात क्या है? कोई भी differential equation, homogeneous equation होने के लिए क्या खास बात है? खास बात इसका ये है कि जब देखेंगे कि इस function का इसका जो एक हर टर्म में यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एवम इट इज ऑब्जर्व दैट ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन Differential equation 1 contains exponent of x and derivative of order of derivative of y are same. हम ये देखते हैं कि x का जो इंडेक्स कह सकते हैं या x का जो एक्सपोनेंट है
और डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है, वाई के डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो दोनों क्या होते हैं इसमें सेम होते हैं, तभी इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस कहते हैं। जैसे वाई का देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव है nth ऑर्डर का, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट है यानी x का जो एक्सपोनेंट है वो n है, ये n है, ये भी n है, यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ भी n माइनस वन है। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर x into d2y upon dx square plus 5dy upon dx plus y is equal to y by x, yeah, 1 by x y is equal to this y by x we can say, and here sin x upon x। अब यहां देखा जाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ सेकेंड ऑर्डर का है y का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ आपका है आपका फर्स्ट ऑर्डर का y का डेरिवेटिव, लेकिन यह x का पावर 0 है। तो इसको सबसे पहले हम ये नहीं देखते ही नहीं बोल सकते हैं कि इट इज नॉट होमोजीनियस। ऑफकोर्स ये इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर देखें तो ये अपॉन x है, यहाँ अपॉन x है, इसमें x अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से मिल जाएगा ऑन मल्टीप्लाइंग बाई x टू राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी गेट यहां हो जाएगा x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज नाउ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा प्रश्न ये है, इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 1 हो गया, दिस टाइम टेकिंग द सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पर हो जाए एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ भी डेरिवेटिव y का 3 है, x का एक्सपोनेंट 3 है, सेम है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है सेकेंड टर्म में एंड x का डेरिवेटिव 2 है, तो ये आपको देखेंगे यहाँ पर थर्ड टर्म में x का एक्सपोनेंट 1 है और y की डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का है, इसलिए ये है इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। आवर एम इज टू वी शैल स्टार्ट हाउ टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन एवर यू आर गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आवर वी शैल स्टडी टुडे द प्रोसीजर how to solve the such type of differential equation. So, how to solve linear homogeneous linear differential equations. Equations x to the power n d k power n y upon dx to the power n a1 x to the power n minus 1 d k power n minus y upon dx to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 d k power n minus 2 y upon dx to the power n minus 2 dash dash here is an minus 1 x into dy upon dx
प्लस ए एफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन नंबर वन है, इसी को सॉल्व करने का तरीका सीखना है। तो हमारा क्या होगा कि इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के तरीके में ये प्रोसीजर बनाया गया कि इसको हम सिर्फ इसको हम लोग ट्रांसफर किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। जब इसको चेंज कर देंगे, इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, देन इट कैन बी सॉल्व इजीली बाय गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बाय गेटिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देन वी राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन y = cf + bi। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसफर वी सेल कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वन इनटू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। Which has already been discussed earlier, which has already been discussed earlier, earlier by making a proper substitution. Proper substitution, substitution by making a proper substitution, let x is equal to e to the power of z. This I am taking x is equal to e to the power of z, then where z is new variable, then x is equal to, जब e to the power z है तो z is equal to हो जाएगा log x base e, that is x is equal to e to the power z implies z is equal to log x, and dz upon dx will be equal to 1 by x. Let us write dy upon dx as dy upon dz into dz upon dx by chain rule, or dy upon dx can be written as dy upon dz, and what is dz upon dx? It is 1 by x. So this can be written as x into dy upon dx is equal to dy upon dz, or x into dy upon dx is written as dy. This is taken as a small equation one, where capital D is equal to d upon dz. This I am taking x dy by dx is equal to dy. Further, what is d2y upon dx square? d2y upon dx square can be written as d upon dx of dy upon dx, and this can be written as d upon dz of dy upon dx into dz upon dx, and this can be written as, what is dz upon dx is 1 by x, so it is d upon dz
dy upon dx into 1 upon zx, and this is 1 upon x into d upon dz, and dy upon dx, you have got it, dy upon dx is 1 by x dy upon dz, 1 by x dy upon dz. And so d2y upon dx square can be written as 1 by x. When we differentiate this, this is taken as equation number 1. It is taken as equation by product function 1, function 2, product rule is applied. So it is d upon dz of 1 upon x into dy upon dz remains same, plus 1 upon x remains same, and it is d upon dz of dy by dz. And this can be written as 1 upon x in bracket. What is d upon dz of 1 by x square? It is minus 1 upon x square into x ka z ke respect mein, yuh jayega aapka dx upon dz, dz upon dx, dz upon dx, 1 by x square into dz upon dx. We can say more easily, we can say 1 by x ka x to the power minus 1 hoga, x to the power minus 1 ka ho jayega minus 1, और क्या हो जाएगा, माइनस वन के बाद से आ जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड हियर इज डी एक्स अपॉन डी जेड इंटू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस वन अपॉन एक्स, एंड हियर इज डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर. So finally, we can say d2y upon dx square can be written as 1 by x minus 1 by x square into dz upon dx is 1 upon x. So dx upon dz is x. So it is x into dy upon dz plus 1 upon x into d2y upon dz square. So finally it is, this x is has cancelled, 1 by x multiply hoga to ye jayega minus 1 by x square dy upon dz plus x mein ye bhi multiply hoga 1 by x square d2y upon dz square. Yani hamare paas ye mil gaya aapka, hamare paas ye mil gaya कि अगर हम इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी जेड प्लस डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और वी कैन से माइनस डी प्लस डी स्क्वायर वाई, और वी कैन से डी अगर हम कॉमन ले लें ये आ जाएगा d minus 1 y. So we can say, we can write, this is x dy by dx written as dy, and x square d2y upon dx square can written as d into d minus 1 y. This is taken as small equation 2. Similarly we can write Similarly, we can get x cube d3y upon dx cube is equal to d into d minus 1 d minus 2y, x to the power 4 d4 upon dy dx to the power 4 is written as d into d minus 1 d minus 2 d minus 3y, and so on.
and also putting these values in equation 1, substituting these values in equation 1, we can get a new differential equation which will be a linear differential equation equation with constant coefficients and can be solved easily. By getting auxiliary equation implies complementary function and particular integral. Now, the procedure to solve homogeneous differential equation. We have given 5 steps regarding when you are going to solve the homogeneous differential equation. There are 5 steps I have written here. In the first step, if the differential equation is homogeneous differential equation, then we take always x equal to e to the power z, or z is equal to log x. And with x dy by dx is equal to dy, x square d2y upon dx square is equal to d into d minus 1y, x cube dqy upon dx cube is equal to d into d minus 1 d minus 2y, etc. And in the step 2, jab ye, after putting x is equal to e to the power z, z is equal to log x, yeah, x dy by dx is equal to dy, x square d2y upon dx square is equal to d into d minus 1y, etc. In the given linear differential equation, it reduces to a linear differential equation with constant coefficient. जो आपने पढ़ा है वो linear differential equation में बदल जाएगा, यानी कि आपको ये जो आपका x जो आ रहा था, x आ रहा था dy by dx साथ में, ये नहीं आएगा, यहाँ पर constant आएगा, तो constant coefficients में बदल जाएंगे, और तब हम क्या करेंगे? We write the auxiliary equation, और इसके auxiliary equation लिखेंगे, जिसको कि हम पिछले वाले मेथड से हम लोग पढ़े हैं, और auxiliary equation निकले के बाद से, and then we find the complementary function. लेकिन ध्यान रहे, इसका जो complementary function आएगा, which will be in terms of z, z के terms में आएगा. कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि complementary function को भी x में लिख देते हैं. It is wrong because you have taken x is equal to e to the power z. जो complementary function आएगा वो आपका z में आएगा, x में नहीं आएगा. दूसरा ये है, step number 4 जो हम दिखेंगे, we find the particular integral. In जो particular integral आएगा वो भी z में आएगा, यानी complementary function भी z में आया, तो particular integral भी z में आया. अब हम सीधे लिखें complete solution y is equal to cm plus pi, जो कि z में लिखा जाएगा. लेकिन आपने z की वैल्यू क्या लिया है? You have taken z is equal to log x, यानी z बराबर log x लिख देंगे इस वाले में जो z में आया था. Then we will get the required solution. Now this is the 5 steps, and these 5 steps is very going to helpful when you are going to solve the differential homogeneous differential equations. Now let us consider an example by means of which we can apply these 4 methods, these 4 steps, so that we can get the complete solution of a differential equation which is in the form of homogeneous linear differential equation. So I have taken an example 1, solve the
differential equation, solve the differential equation x cube d3y upon dx cube plus 2x square d2y upon dx square plus 2y is equal to 10x plus 1 by x. This is taken at equation number 1. If you are given this differential equation, this type of differential equation, तो सबसे पहला काम होता है आप देखिए कि y के डेरिवेटिव कितने हैं इसका. 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है. इसके बगल में जो मल्टीप्लाई है x, वो भी 3 है. इसका भी डिग्री 3 है, यानी इसका जो आपका एक्सपोनेंट है 3 है, y का भी 3 है डेरिवेटिव. इसका भी देखें सेकेंड टर्म में, तो ये x स्क्वायर है, x का पावर 2 है. यहाँ dy का जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड ऑर्डर का है, दोनों सेम है. इसलिए इट इज वेरी क्लियर दैट, यहाँ कर सकते हैं, इट इज ओबियस दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a homogeneous differential equation. So let us take x is equal to e to the power z r, z is equal to log x, then x into dy upon dx can greater as dy and x square into d2y upon dx square can greater as d into d minus 1 y, x cube into d3y upon dx cube can greater as d minus 1 d minus 2y, where capital D is nothing but it is dy dz. Then the given differential equation 1 reduces to d into d minus 1 d minus 2 plus 2 times d into d minus 1, here is y, plus 2y is equal to 10. What is x? X is e to the power z. And what is 1 by x? 1 by x becomes 1 upon e to the power of z. Or we can write, after solving this, d square minus 3d plus 2 plus 2d square minus 2d plus 2 bracket y is equals 10 e to the power z plus e to the power minus z. Or we can write again d cube minus 3d square plus 2d plus 2d square minus 2d plus 2 y is equals 10 e to the power z plus e to the power minus z. Or here is 2d has plus minus 2d and here is plus 2d has cancelled, and here is d cube minus 3d square plus 2d square is minus d square and plus 2 y is equals 10 e to the power z plus e to the power minus z, and this is again equation 2. So it is very clear that this equation 2 is a linear differential equation with constant coefficient. Constant coefficients, and so it is, since it is being a linear differential equation with constant coefficient,
So we write auxiliary equation. Auxiliary equation is m cube minus m square plus 2 is equal to 0. And when you solve this, it is a cubic equation in m, and there are only 3 terms, so it is being very difficult to factorize. So we apply remainder theorem of factorization. So factorization ke liye jab m is equal to 1 rakhenge to ye 0 nahi hoga. M is equal to minus 1 rakhenge yahan par to minus 1 plus minus 1 minus 2 and plus 2 is 0. So m minus 1, m plus 1 is a factor of this. So clearly m plus 1 equal to 0, m plus 1 is a factor of a factor. So हम क्या करेंगे, m प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये मिलेगा. सो वी राइट m क्यूब माइनस m स्क्वायर, और वी कैन से सीधे हम ऐसे भी कर ले, हम ज्यादा अच्छा डिवाइड कर ले, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 से m प्लस 1 से अगर हम डिवाइड करें तो m स्क्वायर बन जाएगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2, अब की बार माइनस 2m से जाएं, तो माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2 होगा, ऑलराइट, ये माइनस y स्क्वायर का माइनस m स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 2m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 2m, यहाँ होगा 2m स्क्वायर, यहाँ अगर ये बचा 2m स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा m से करेंगे तो ये माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m होगा, अब घटेगा ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2m प्लस 2, अब यहाँ प्लस 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2m प्लस 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन गेट, वे हमारे पास मिला, वी राइट m plus 1 into m square minus 2m plus 2 is equal to 0. Or we can say this implies m plus 1 is equal to 0 and m square minus 2m plus 2 is equal to 0. Or we can say m is equal to minus 1 and m is equal to 2 plus minus under root 4 minus 4 minus 8 upon 2, and we can write further m is equal to minus 1 and m is equal to 1 plus minus, yahan se aayega 4i ka under 4 rahega under mein, yahan ho jayega aapka i sirf ho, ye ho jayega 1, 2 by 2 is 1, here is minus 4, minus 4 root minus 4 is 2i and 2 is in the denominator, so it will be cancelled, 1 plus i. So complementary function we can say cf is c1 e to the power minus z, and m is 1 plus minus i, so it is e to the power of z in bracket c2 cos of z plus c3 sine of z. This is complementary function. Now come to the particular integral pi, we can say pi is 1 upon b cube minus b square plus 2, and on the right hand side is x tan e to the power minus z e to the power z plus e to the power minus z. So this can be written as pi is equal to, tan is taken out, 1 upon b cube minus b square plus 2
e to the power z plus 1 upon d cube minus d square plus 2 e to the power of minus z. Now pi is 10. We know that 1 upon f of d e to the power a z ax लिख सकते हैं, ax या az कर सकते हैं. az can be written as 1 upon f of a e to the power az if f of a is not equal to 0. And this 1 upon f of b e to the power az is equal to x times 1 upon f dash of a e to the power of az if f of a is equal to 0 and f dash a is not equal to 0. F dash a is not equal to 0. So we can get it 1 upon 1 cube minus 1 plus 2 e to the power z. Whereas when you take at the place of b is minus 1, it is minus 1, it is plus, it is minus 1, minus 1, minus 1, minus 2 is plus 2, 0. Then f a is 0. So apply this, it is z. And f dash is means d 3b square minus 2d e to the power minus z. When we take it is minus 1, so it is 1 upon 2 e to the power z plus z 1 upon 3 into minus 1 whole square minus 2 into minus 1 e to the power minus z. And so it is 10 e to the power z by 2 plus z e to the power minus z upon it is plus 1, 3, 2, 5. And so it is 5 e to the power z plus 2 z e to the power minus z is particular integral. Thus the complete solution, the complete solution is y is equal to cf plus pi. So y is equal to cf is c1 e to the power minus z plus e to the power z c2 cos z plus c3 sin z plus particular integral is 5 e to the power z plus 2 z e to the power minus z. After putting z is equal to log x and e to the x is equal to e to the power z is equal to x e to the power minus z is equal to 1 by x, we get y is equal to c1 upon x plus x into c2 cos log x plus c3 sin log x plus 5 x plus 2 log x by x. This is the required complete solution. This is the required solution of differential equation. तो इस तरह से हम आपको बताएं कि इस तरह से क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के तरह से आपने अभी तक क्या सीखा, अभी तक ये सीखा कि कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर z लिखेंगे और z इज इक्वल टू log x लिखेंगे और x dy / dx जाकर कैपिटल dy लिखेंगे, जहां d कैपिटल dy dx है. x स्क्वायर d2y / dx स्क्वायर की जगह पर d into d minus 1 लिखेंगे, x cube d3y / dx cube की जगह पर
डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू लिखेंगे। ये हमारा लिखने के बाद से जब ये सारी सब्स्टिट्यूशंस को उसमें रखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज होगा जो जेड में होगा, और उसका हम आसानी से ऑक्सिलरी इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ में, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेंगे वो जेड में आएगा, और इस जेड की वैल्यू को फिर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आज हमारा इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।